निवेदन ये साहब कि नुकसान तो 100% ही है किसानों का, तो भाई पशु खिलाने के लिए चारे चारा तो चारा भी सड़ गया पूरा, और बाल है तो ज्यादा बारिश के कारण तब हो गया, पानी में बिल्कुल ये मान लो आप तो बाल है बिल्कुल पानी में, और 100% नुकसान है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि 10-20% नुकसान है, 100% नुकसान है पूरे विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ। चलो और क्या फसल तो हुई नहीं, पर अब मतलब बैंक के वो केसीसी मांगेगी कुछ दिन बाद, तो सरकार से यही निवेदन है केसीसी भी माफ हो, और जो 100% जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा भी मिले, पृथ्वी का 30,000 रुपये के उसके वहाँ। भारतीय किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण खंडी और साथ में उनके सुभाष सिंह सहमाला जी, इनसे जानेंगे कितना इनका फसल का नुकसान हुआ है यहाँ पर। ब्रजभूषण जी बताइए कितना नुकसान हो गया आपके? आपको पता है कि आज पूरी राजस्थान में बरसात ज़्यादा होने के कारण ये खरीफी फसल का 70% नुकसान हो गया है, और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आइए सर, ये किसान ही बता रहे फसल हो गया ही, क्यों ये बहुत लोग जो किसान को कटिंग करता है बालों की, वो क्या है वो फसल वापस दोबारा नोकियाँ उग रही है, मतलब बाजरा बिल्कुल साफ हो चुका है, आइए बाजरा बिल्कुल साफ। ठीक है, आप भी ज्ञापन में आए, ये देखिए हमारे एक भाई है जो अपने दिव्यांग है, वो अपने साइकिल से आए हैं, क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ अभी पर, अभी पर। क्या किस बात को लेके आए हैं आप? पंडित की फसल खराब हुई। बिल्कुल बिल्कुल सब उसके बारे में। कितना परसेंट नुकसान है? 70% तो 7% हो गए, तो 35% से ऊपर केंद्र सरकार का यह है कि नुकसान होता है तो सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग। आप क्या कहना चाहते हो? आज ज्ञापन दिया हम राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, पूरी राजस्थान में अति बरसात होने के कारण आज खरीफ की फसल ज़्यादातर नुकसान हुआ, 70% नुकसान है, इसमें गिरदावरी करा के उचित मुआवजा दिया जाए जिससे किसान को राहत पहुँच सके, और अपने आपको पता है खाने के लिए आज वादा नहीं बता, जिससे अगर मुआवजा मिल जाएगा किसान अपने वो पेट भराई के लिए अपने परिवार चलाने के लिए